बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सागा फ्लैशबैक पे। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाले पहले ODI मैच की, जो कि आफ्टरनून में 2:30 बजे से खेला जाएगा आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में। यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 9140233474, इसको आपको सेव करके रखना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी स्क्रीन पे आपको QR कोड और यूजर ID भी हमारी दिख रही है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वेन्यू रिपोर्ट एंड स्टैट्स, पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट, हेड टू हेड मैचेस के रिकॉर्ड हम शेयर करेंगे, प्लेयर्स बैटल देखेंगे कौन से बॉलर किस बैट्समैन को आउट करते हैं, एक एक प्लेयर के स्टैट्स का एनालिसिस करेंगे और ड्रीम 11 की टीम भी मैं आपको बना करके दूंगा। वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की बात करें तो कोलंबो में 135 ODI मैच हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 79 और बैटिंग सेकंड ने 56 मैचेज विन किए हैं। 242 का एवरेज स्कोर है, 375 हाईएस्ट है। यहाँ की जो पिच होती है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है और फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन चूंकि डेथ ओवर में आते हैं तो विकेट मिल जाते हैं। स्पिनर्स को हमेशा कोलंबो में बहुत ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं, तो आपके लिए स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है और डेथ ओवर वाले फास्ट बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 190+22 बार बना है, 22 बार 150 के नीचे और 52 बार 150 से 169, 170 से 189 के बीच में 39 बार बना हुआ है। T20 डोमेस्टिक भी कुछ यहाँ पे हुए हैं, उसके स्टैट्स आप देख लेना। वेदर की बात करें, रेन के ज़्यादा चांसेज हैं, 80% है, लेकिन फिर भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो पूरा मैच होते हुए आपको दिखाई देगा। टेम्परेचर 26 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। लास्ट के कुछ मैचेज जो यहाँ पे हुए हैं, श्रीलंका को इंडिया ने मात्र 50 पे ऑल आउट कर दिया था, इंडिया ने 10 विकेट से जीत लिया था। उसके पहले बांग्लादेश ने 265 बनाया था और इंडिया 6 रन से हार गई थी। 11 विकेट पेसर, 6 विकेट स्पिनर ने लिए, 252 बनाया पाकिस्तान ने। श्रीलंका ने इसको चेस कर लिया, 7 विकेट पेसर और 6 विकेट स्पिनर ने लिए। इंडिया ने 356 जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया और श्रीलंका को मात्र 128 पे ऑल आउट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो स्पिनर्स ने 16 विकेट लिए थे और पेसर्स ने मात्र 4 विकेट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हेड टू हेड बहुत ज़्यादा हुए, 168 मैच इंडिया कम मैचेज जीती है, श्रीलंका ने 99, इंडिया ने 57 जीते हैं। रिसेंट अगर 5 मैचेज की बात करें तो लास्ट मैच श्रीलंका हार के आ रही है, इंडिया जीत के आ रही है, और इस तरीके से आप देख सकते हो इंडिया ने लास्ट के 5 में 3 जीते हैं और श्रीलंका ने भी 3 जीते हैं। दोनों टीम के लास्ट के 2 हेड टू हेड मैच देख लेते हैं। इंडिया ने बनाया था 357 और श्रीलंका को मात्र 55 पे ऑल आउट कर दिया था। यहाँ देख सकते हो शुभम गिल ने 92 बनाया था, विराट कोहली ने 88, श्रेयस अय्यर ने 82 और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट और सिराज ने 3 विकेट लिए थे। ये आई थिंक ODI वर्ल्ड कप जो हुआ था ये उसका स्कोर है, वहाँ पे मोहम्मद सिराज ने, शमी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, रंजीता ने 14-12, किसी ने कुछ खास नहीं किया था, मधुसंका ने बस 5 विकेट लिए थे। श्रीलंका इसमें 50 पे ऑल आउट हो गई थी, इसी वेन्यू पे हुआ था, और इंडिया ने 10 विकेट से जीत लिया था। यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे, ये आई थिंक वर्ल्ड कप वाला मैच है जिसमें 6 विकेट लिए थे सिराज ने, काफ़ी नाम हुआ था, और हार्दिक पंड्या ने 3 विकेट लिए थे। बाकी यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से किसी ने कुछ खास नहीं किया था। अब यहाँ पे प्लेयर्स बैटल देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के बॉलर और श्रीलंका के बैट्समैन, निशंका को सिराज ने 1 बार आउट किया है 8 बॉल में, अविष्का फर्नांडो को सिराज ने 3 बार आउट किया है 26 बॉल में, असलंका को कुलदीप यादव ने 2 बार आउट किया है, सिराज ने 1 बार किया है, हसरंगा को अक्षर पटेल ने 1 बार और सिराज ने 1 बार, सदिरा समरा विक्रमा को सिराज ने 2 बार किया है और कुलदीप ने 1 बार किया है, कुशाल मेंडिस को अक्षर पटेल ने 1 बार किया है, सिराज ने 4 बार किया है 29 बॉल में और कुलदीप ने 1 बार किया हुआ है। आगे चलते हैं, अब श्रीलंका के बॉलर इंडिया के बैट्समैन देख रहे थे, रोहित शर्मा को वेलालगे ने 1 बार आउट किया है 11 बॉल में, करुणात्ने ने 23 बॉल में 2 बार आउट किया है, शुभम गिल को वेलालगे ने 1 बार आउट किया है, विराट कोहली को वेलालगे ने 1 बार आउट किया है, KL राहुल को पथिराना ने 2 बार आउट किया है और वेलालगे ने 1 बार आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। रोहित शर्मा शुभम गिल के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर विराट कोहली हैं, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रसदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। श्रीलंका की तरफ से पी निशंका कुशाल मेंडिस के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर अविष्का फर्नांडो है, सदिरा समरा विक्रमा, चरित असलंका, वैदु हसरंगा, चमिका करुणात्ने, डी वेलालगे, महेश थिक्साना, अकिला धनंजिया और असिता फर्नांडो। एक एक प्लेयर का स्टैट्स हम एनालिसिस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। रोहित शर्मा को बहुत एक्सपीरियंस है, 262 मैच में 11,000 के आसपास रन है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है, हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है और वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे।
शुभम गिल को भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया 44 मैच का, और रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है, और हेड टू हेड वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं, विराट कोहली हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, 14,000 के आसपास रन है, 300 के आसपास मैचेस खेले हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म है, और हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे ठीक ठाक है, 2 मैच में 64 है। केएल राहुल है, काफ़ी लंबे समय से इंटरनेशनल मैचेज नहीं खेले हैं, बट रिसेंट मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, 3,000 के आसपास रन है, हेड टू हेड वेन्यू दोनों पे अच्छा रिकॉर्ड है, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेलते हैं, 2 सेंचुरी आपको यहाँ पे दिख रही है, 52 भी है, 59 मैच में 2300 के आसपास रन है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे शिवम दुबे हैं, शिवम दुबे की बात की जाए तो थोड़ी नीचे बैटिंग आएगी, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना है इनको, उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अक्षर पटेल मस्ट पिक है, विकेट टेकिंग बॉलर है, T20 में भी अच्छा करके आ रहे हैं, हेड टू हेड वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन सुंदर, रिसेंट फॉर्म इनकी कुछ खास नहीं, कहीं कहीं पे दो दो विकेट है, और चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि श्रीलंका के बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, भले ही यहाँ पे स्पिनर को मदद है, 54 मैच में 83 विकेट है, हरदीप सिंह मस्ट पिक है, रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छी है। इसके बाद कुलदीप यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पिच पे इनको बहुत मदद मिलेगी, और विकेट बहुत ले चुके हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, बट हेड टू हेड में 11 मैच में 18 विकेट है, वेन्यू पे भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद मोहम्मद सिराज उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ज़्यादा विकेट्स लेते नहीं, बट इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 6 विकेट लिया था वर्ल्ड कप में, याद रखना, तो ये श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। कुछ बेंच पे प्लेयर है अगर वो खेलते हैं, ऋषभ पंत ठीक ठाक रिकॉर्ड है इनका, रियान पराग अभी तक ओडीआई में डेब्यू नहीं किया है, अगर खेलते हैं तो T20 में अच्छा करके आ रहे हैं, हर्षित राणा को अभी तक मौका नहीं मिला है, IPL में KKR के लिए अच्छा करके आ रहे हैं। इसके बाद खलील अहमद IPL में अच्छा करके आ रहे हैं, अभी तक मौका नहीं मिला है। श्रीलंका की तरफ से पी निशांका T20 में काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं, लास्ट के 5 मैच में आपको 2 सेंचुरी दिख रही है, 2,500 के आसपास रन है 55 मैच में, वो हेड टू हेड में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, बट वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। कुशाल मेंडिस का वेन्यू भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 18 मैच में 798 है, हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका फर्नांडो की बात की जाए, आप बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हो, बट ये T20 में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, हेड टू हेड वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, तो हम इनको फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में नहीं लेंगे। सजीरा समरा विक्रमा का पूरा लंका प्रीमियर लीग फ्लॉप गया था, कुछ खास अभी रिसेंटली कर नहीं पा रहे हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रीलंका भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, बट इसके पहले रिसेंट फॉर्म अच्छी थी, बट उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं आजकल। आगे चलते हैं, इसके बाद हसरंगा आपके लिए मस्ट पिक है, CBC की भी चॉइस है, और कोलंबो के किंग कहे जाते हैं, यहाँ बहुत विकेट्स लेते हैं, रन बनाते हैं, तो कैप्टन की आपके लिए चॉइस है। इसके बाद सी करुणाथ, कई बार बॉलिंग कराते हैं, कई बार नहीं कराते हैं, 3-4 ओवर कई बार कराते हैं, कई बार 10 ओवर कराते हैं, बैटिंग से भी अच्छा करते हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट हम नहीं लेके चलेंगे। विलालगे इस पिच पे बहुत विकेट्स ले सकते हैं, इंडिया के पास बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं, आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे महेश थिकसाना है, थिकसाना आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, बट रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो विलालगे की जगह पे आप थिकसाना को भी ट्राई कर सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं। असिता फर्नांडो डेथ ओवर में आएंगे, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। अकिला धनंजया उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट विकेट लेते हैं कई बार, बट रिसेंटली कुछ खास करते हुए देखे नहीं गए हैं। बेंच पे कुछ प्लेयर हैं, पथिराना अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा डी मधुशंका भी अवेलेबल नहीं है, कविंदू मेंडिस अगर खेलेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस इनका रहता नहीं है, जे लियांगे भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने एक ड्रीम 11 टीम बनाई हुई है, KL राहुल, कुशाल मेंडिस, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल, अक्षर पटेल, कुलदीप और अर्शदीप सिंह इंडिया की तरफ से मैंने लिया है, कुशाल मेंडिस, पी निशांका, हसरंगा और थिकसाना को मैंने लिया है। वेलालगे भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं, उनको कंसिडर कर सकते हो। हमारे कुछ प्रीवियस विनिंग है जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पेड मेंबरशिप की, हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474, हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई होती है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, क्योंकि लॉस आपको है, आपको रिकवर करना है, अगर आप लॉस में हो, प्रॉफिट में हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको लॉस केवल सागा फ्लैशबैक ही रिकवर करवा सकता है, क्योंकि केवल हम ही लोग न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग लाखों रुपए पेमेंट करते हैं, इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ विनिंग हमेशा हम करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, आपका होस्ट है दोस्त अंकुर, साइनिंग आउट, बाय।